हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज पीएचडी एडमिशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिपल आईटी श्री सिटी पीएचडी एडमिशन के बारे में। तो 2021 के इसके नोटिफिकेशन आ गए हैं, लास्ट डेट है इसकी 8th of January। तो अगर आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर तो आप इसमें अप्लाई कर दीजिए। चलिए देख लेते हैं सारी डिटेल्स और कौन कौन से सब्जेक्ट में यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट पर जाना है thedynamicstudy.com पे, और उसके बाद आपको क्लिक करना है पीएचडी एडमिशन पे। तो पीएचडी एडमिशन पे क्लिक कर लीजिए। ये आपकी नोटिफिकेशन है ट्रिपल आईटी की। तो यहाँ पर ये जो सेशन है इनका, ये आपका स्प्रिंग सेशन है, ठीक है। स्प्रिंग सेशन के लिए एडमिशन ले रहे हैं और लास्ट डेट है 8th of January। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी वाले लोग अपेयर कर सकते हैं, और या आपने बीटेक किया हुआ है तो भी आप अपेयर यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपके पास गेट का स्कोर है तो ही आप यहाँ पर, गेट या फिर नेट का स्कोर है तो ही आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। मतलब इनका कोई खुद का टेस्ट नहीं है, आपके जो गेट के नेट के स्कोर हैं, जेआरएफ के स्कोर हैं, सीएसआईआर नेट के स्कोर हैं, उनके थ्रू ही यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। एप्लीकेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसके लिए आईडी दी हुई है, जहाँ पर आपको सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में अपने डॉक्यूमेंट्स को सेंड करना है। एप्लीकेशन फ़ी है 500 रुपीज़, और जो कि आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू दे सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस भी बताया हुआ है कि किस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर इंटरव्यू भी होगा, रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, और आपके मार्क्स देखे जाएंगे यूजी और पीजी के। ऑफिशियल वेबसाइट के लिए आप इस पे लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है, जेआरएफ क्वालिफाई किया है, तो आपको रिटन टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि गवर्नमेंट गाइडलाइन है। अगर आपने नहीं दिया हुआ है तो आपको इनका रिटर्न टेस्ट देना होगा। एंड ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक कर लीजिए। तो ये रही आपकी नोटिफिकेशन, इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा अगर आप यहाँ पर अपीयर करना चाहते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं इसको भी यहाँ पर बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, ये सारे सब्जेक्ट आपके जो टेक्नोलॉजी फील्ड है उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर आपका फील्ड टेक्नोलॉजी है या कहीं ना कहीं आप टेक्नोलॉजी से रिलेट करते हैं तो आप यहाँ पर अपीयर कर सकते हैं। और फीस स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, फीस स्ट्रक्चर भी आप चेक कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो सिलेबस होगा रिटन टेस्ट का, वो सिलेबस भी यहाँ पर दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।